हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी अरीना में। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक होने वाला है ये है फ्रेजल वर्ब, जो कि इंग्लिश के टॉपिक का एक वोकैबुलरी सेक्शन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CGL, CHSL, CPO, बैंकिंग और एनी अदर काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। इंग्लिश पूछा जाता है तो फ्रेजल वर्ब इम्पॉर्टेंट होगा आपका। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ करवाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको, या फिर आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ्रेजल वर्ब एसएससी एरिना टाइप करेंगे, सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उसमें उनको पता होगा कि जो फ्रेजल वर्ब है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन के बाद बनता है, यानी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन ऐड कर दिया जाता है और उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है। तो वर्ब के बाद अलग अलग अगर हम प्रीपोजिशंस ऐड करते रहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हमको मिलेगा और उसी को कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो आज जो हमारा वर्ब होने वाला है, आज हमारा ये वर्ब है लुक। आज हम लुक वर्ब को देखेंगे, लुक के पीछे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके प्रीपोजिशंस हैं ऐड होगा, उसका मीनिंग अलग होता जाएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब है ये है लुक अबाउट। आप देखिए यहाँ पे लुक अबाउट, देखिए लुक का तो मतलब होता है देखना, लेकिन जब हम लुक अबाउट कर देंगे तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। लुक अबाउट का मतलब होता है, देखिए लुक का मतलब देखना, अबाउट का मतलब कुछ चीज़, किसी के लिए। तो किसी के लिए देखने का आप सेंस निकाल सकते हैं सर्च, इन द सर्च ऑफ या ऑन द वॉच, दोनों का मतलब होता है लुकिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, द हिस्ट्री द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग फॉर वाटर हेल्टर स्केल्टर। देखिए मैंने यहाँ पर आपको लुकिंग फॉर लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि लुकिंग फॉर और लुक अबाउट दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पर एक और idioms लिखा हुआ है हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर का मतलब होता है इधर उधर, यानी जो थर्स्टी क्रो था वो पानी के लिए इधर उधर देख रहा था, भटक रहा था। ठीक है, अगला जो हमने वो कैब आपके लिए फ्रेजल वर्ब लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए कहीं, क्योंकि इसका मतलब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी किसी की देखभाल करना। एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो या आपका क्लोज टेस्ट हो या आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। अब देखिए लुक के बाद आप आफ्टर लगा देंगे तो कोई नहीं कहेगा कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता है तो आप इसे अटेंड नहीं कर सकते। इन हर ओल्ड एज शी हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हर, यानी इस उम्र में कोई भी नहीं है जो उसका देखभाल रख सके। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक एट, आप लोगों ने कई बार टीचर के मुंह से सुना होगा लुक एट द बोर्ड, लुक एट द पिक्चर, इसका मतलब होता है ध्यान से देखना। अगर आपको टीचर बोल रहा है लुक एट द बोर्ड, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आप इस पिक्चर को या किसी भी चीज़ को ध्यान से देखिए। द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द सीनरी। अगला है हमारा लुक बैक ऑन। देखिए लुक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को देखना, बैक का मतलब होता है पीछे, ऑन का मतलब ये भी आपका एक तरीके से प्रीपोजिशन ऐड किया हुआ है, तीनों मिलकर बनता है लुक बैक ऑन, यानी पास्ट की चीज़ों पर देखना और पास्ट की चीज़ों पर ध्यान देना। देखिए ऑन का सिंगल मतलब तो किसी के ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है तो पर के लिए होता है, के ऊपर के लिए, लेकिन यहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं ना कि प्रीपोजिशन, दोनों डिफरेंट होता है। ऑन का मतलब यहाँ पे कुछ और हो सकता है, वहाँ पर प्रीपोजिशन में कुछ और, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। लुक बैक ऑन का मतलब होता है टू थिंक ऑफ द पास्ट। एग्जांपल देखिए, पीपल कैन ऑफन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरीज। हम कई बार होता है ना जब अकेले बैठे होते हैं तो हम लुक बैक ऑन चाइल्डहुड करते हैं, यानी हम अपने जब बच्चे होते हैं तब की बातों को ध्यान में रखते हैं और मेमोराइज करते हैं और खुश होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लुक फॉर। लुक फॉर मैंने आपको पहला वाला करवाया था, लुक अबाउट और ऑन वॉच, सबका मतलब सेम होता है। लुकिंग फॉर यानी सर्चिंग फॉर समथिंग या किसी चीज़ को ढूंढना। शी वॉज लुकिंग फॉर हर न्यू रेड ड्रेस। लुकिंग फॉर मतलब किसी चीज़ को तलाशना। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है लुक डाउन अपॉन। देखिए लुक का मतलब देखना, डाउन का मतलब नीची निगाह से, यानी किसी को कम आंकना या किसी को कम करके देखना। ठीक है,
तो लुक डाउन का मतलब होता है किसी को निंदा करना, डिस्पाइज करना, डी क्राई करना। इसका एक शब्द भी बहुत अच्छा सा है जो कि क्या है, डी क्राई। आप इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन डाउन एंड आउट। जो अमीर होते हैं उनको गरीबों को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर एक फ्रेज इडियम मैंने आपके लिए लिया है, डाउन एंड आउट, जिसका मतलब होता है दरिद्र, गरीब, जिसके पास कुछ भी चीजें ना हो। नेक्स्ट है हमारा लुक इन टू। देखिए लुक इन टू हो या फिर आपका सी इन टू हो, दोनों का मतलब हो जाएगा जांच पड़ताल करना या इंस्पेक्शन करना, एकदम बिल्कुल जैसे कि किसी छानबीन करना, इस तरीके से वाला, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द मैटर बेसिकली। ए कमिटी वॉज सेटअप। सेटअप भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है, टू लुक इन टू द प्रॉब्लम। सेटअप का मतलब मैं आपको बताता हूँ, सेटअप का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। तो एक कमेटी जो स्थापित की गई थी लुक इनटू द प्रॉब्लम करने के लिए। इसके पहले मैंने आपको जब करवाया था, अभी एक और सीरीज चल रही है आपकी CHSL में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, आप उसको भी जाके देखिए, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें दूर होंगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कमेटी किसी चीज़ पर एक तरीके से कार्यवाही करती है तो उसको क्रैक डाउन क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रैक डाउन। और ये भी एग्जाम में आपका यूज़ होता है, चाहे वो आपका ईडियम फ्रेजेस में हो या फिर आपका क्लोज टेस्ट में हो। अच्छा, ये हमारा छूट गया है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामाइन एग्जामाइन केयरफुली, किसी भी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना। लुक ओवर, द एग्जामिनर हैज़ येट टू लुक ओवर प्रैक्टिस नोटबुक। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब एक विरोधाभास उत्पन्न होता है ओवरलुक और लुक ओवर में। देखिए दोस्तों, अगर आप ओवरलुक को देखते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ओवरलुक कर देना, यानी लापरवाही वाले नज़रिए से थोड़ा बहुत देख करके हटा देना। लेकिन लुक ओवर का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान से देखना। आप देखिए, दोनों में सिर्फ आगे और पीछे वो सफिक्स प्रिफिक्स टाइप का बन गया है, लेकिन कितना डिफरेंट मैटर है, मीनिंग है। लुक ओवर का मतलब होता है एकदम ध्यान से देखना, केयरफुली जांच पड़ताल करना, जबकि ओवर लुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या हल्का फुल्का देखना। अगला है लुक आउट यानी वॉच आउट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी इसके बारे में बताया था आपको। लुक आउट और वॉच आउट का मतलब भी होता है सावधान होना। आप कई बार रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे जब जाते हैं या मेट्रो में जाते हैं, तो जहाँ पर जनरेटर टाइप का इक्विपमेंट रखा होता है, वहाँ पर बोर्ड लगा होता है वॉच आउट का, ठीक है। वहाँ पे वो लिख देगा वॉच आउट, उसको लुक आउट भी कहते हैं। दोनों का मतलब होता है केयरफुली ऑब्जर्वेशन करना या बिवेयर होना। बिवेयरिंग ऑफ समथिंग का मतलब होता है सावधान होना। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, वॉच आउट देयर इज अ डॉग अंडर द टेबल। नेक्स्ट है हमारा लुकअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए। जैसे लुक आफ्टर था, लुक ओवर था, वैसे ही लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसका दो मतलब होता है बेसिकली। एक तो होता है कंसल्ट सम बुक फॉर वर्ड और सर्च वर्ड इन डिक्शनरी। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में ये यूज़ होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सर्च वर्ड्स इन डिक्शनरी के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ लुकअप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप कई वेबसाइट गूगल पे, कई डिक्शनरी वेबसाइट पे जाते हैं, तो जब आप सर्च बॉक्स, जैसे मान लीजिए कि ये सर्च बॉक्स है, आप इसमें सर्च करेंगे तो वहाँ पहले से वो लिखा होता है लुकअप। लुकअप का मतलब ही यही होता है कि आइए और सर्च करिए, यहाँ पर किसी भी वर्ड की जानकारी लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग लुकअप याद रखेंगे और नेक्स्ट टाइम जब भी आप गूगल करेंगे तो आप इस चीज़ को मेंशन देखिएगा वहाँ पे लुकअप लिखा है कि नहीं। नेक्स्ट है लुक अप टू। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे ओ टू लिख दिया है, जबकि ये गलत है। यूपी यूपी अप टू होगा यहाँ पे, ठीक है। लुक अप टू, लुक अप टू का बेसिकली मतलब होता है रिस्पेक्ट। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक करवाया था लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब था किसी को नीची निगाह से देखना या इंसल्ट करना। ये है आपका लुक अप टू, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट। 2017 CGL मेंस में ये पूछा गया था, और भी कई जगह पूछा जाता रहता है, प्लीज़ आप लोग इसे नोट डाउन करिए। हिज यंगर ब्रदर्स लुक अप टू हिम एंड ओबेज हिज एवरी ऑर्डर। जो छोटा भाई है वो बड़े भाई को लुक अप टू करता है, यानी कि उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसको सारी बात को बड़े ध्यान से मानता है। नेक्स्ट है हमारा लुक आउट फॉर। लुक आउट फॉर, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको लुक फॉर करवाया था और लुक आउट करवाया था। लुक आउट और वॉच आउट का मतलब था सावधान रहना, जबकि लुक फॉर का मतलब था किसी चीज़ को ढूंढना। लुक आउट फॉर का मतलब भी होता है इन सर्च ऑफ, ऑन द वॉच, यानी किसी चीज़ की तलाश करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
ही इज़ लुकिंग आउट फॉर अ डिसेंट जॉब, एक अच्छी जॉब की तलाश है उसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोर को जो है हाईलाइट नहीं किया है, तो लुकिंग आउट फॉर, ये तीनों एक साथ है, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी दो कंपनियों को अक्टूबर में दो कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप जा करके उसे देखिए इस वीडियो में, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आप सर्च करिए न्यू महारत्न कंपनी SSC एरिना। और पैटा पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होता है, इन सब के बारे में, हेडक्वार्टर्स एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या होता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पर आपका CGL 2019 प्री का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिया हुआ है, और idiom phrases की भी मैंने एपिसोड्स कुछ बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ गाइज चेक आउट दीज वीडियोज़, आप जाइए देखिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।